9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। सीएम योगी लगातार विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। स्पीच, पोस्टर और नारों की सियासत काफी गर्माई है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को अखिलेश यादव ने नकारात्मक और निराशा का प्रतीक बताया। दरअसल उपचुनाव का प्रचार खत्म होने में 9 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में सत्ता पक्ष या विपक्ष सब नारों और जुबानी जंग के सहारे विरोधियों पर हमला बोल रहे हैं। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। आज भी ऐसी आसुरी शक्तियां विपक्षी राजनीतिक दल के रूप में काम कर रही हैं, जो कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर लगातार समाज को बांटने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन समाज बंटेगा नहीं, समाज में ऐसे दीपोत्सव जैसे कार्यक्रम हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करेंगे और सब एक साथ रहेंगे, एक रहेंगे और नेक रहेंगे। पीडीए की बढ़ती ताकत से विचलित है, परेशान है, हताश है, निराश है। पीडीए बढ़ता रहेगा, समाजवादी पार्टी ऐसे ही पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की अधिकार और हक की आवाज उठाती रहेगी। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हो रहे हैं 9 सीटों के, और ये जो नारे और पोस्टर की जो जंग चल रही है दोनों अलग अलग खेतों में, एक तरफ सोशलिस्ट और समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, उनके अलायंस के लोग हैं, तो नारे गढ़े जा रहे हैं, नारे के साथ पोस्टर बन रहे हैं, होर्डिंगें बन रही हैं, और ये एक दूसरे के खिलाफ शब्दों की एक जंग चल रही है। और ऐसे में बड़े सवाल, उपचुनाव में तेज हुई जुबानी जंग, जनता किसके संग? नकारात्मक नारे और निराशा, अखिलेश ने बताई नारों की परिभाषा। बटोगे तो कटोगे वाला था, जोड़ने से जीतेंगे उपचुनाव, सीएम योगी का नारा सरदार, विपक्ष की तय हुई हार। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ राजेश चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी जुड़े हैं, भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुधांशु वाजपेयी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। राजेश चौधरी जी, आपके बयान या आपके नारे को बताया जा रहा है कि ये नकारात्मक है, ये निराशा वाला है। आप कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, वो कह रहे हैं कि जुड़े रहेंगे तो जीतेंगे। सवाल इस बात का कि उपचुनाव को लेकर इतनी गहमा गहमी, हमें तो नहीं लगता कि 24 के चुनाव में या इससे पहले 22 के चुनाव में भी नारे गढ़े गए। हाँ, इतना जरूर था कि आ रहा हूं और 27 के सत्ताधीश, ये थोड़ा सा है मामला। देखिए, आप कालांतर में देखेंगे, इतिहास गवाह है इस बात, जब जब हम बटे तब तब हमको काटा गया, चाहे देश के हिस्से किए गए हो, चाहे जगह जगह पर हिंदुओं को काटने और मारने की बात हो रही हो, जहां जहां हमें जाति के नाम पर बांटने वाले लोग ही हमारे लोगों की हत्या करने का काम करते हैं, दंगे कराने का काम करते हैं, मंदिरों पर हमला करने का काम करते हैं। आज बंगाल के अंदर देखिए, क्या दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में हिंदुओं को वहां जीना पड़ रहा है, वहां आदमी तिलक नहीं लगा सकता, मंदिर की घंटी की आवाज मुसलमानों के घर में ना चली जाए, महिलाएं सिंदूर नहीं लगा सकती, पूजा अर्चना नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के अंदर ही बहराइच में दुर्गा पूजा करके जो यात्रा निकल रही थी उस पर हमला होता है। कश्मीर के अंदर देखेंगे, एक मस्जिदों के अंदर बांध लगाई गई कि हिंदुओं कश्मीर छोड़ो, और उनको वहां से भगा दिया जाति के नाम पे। पहले ये बांटते हैं, फिर उसके बाद काटते हैं, यही तो कह रहे हैं कि हमको बंटना नहीं है, एकत्रित रहना है। जाति के नाम पर हमारे अंदर जो विभाजन पैदा करना चाहते हैं पीडीए के नाम पर, वो परिवार डेवलपमेंट अलायंस को पैदा करके उसको मजबूत करके अपने परिवार को मजबूत करना चाहते हैं, सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने का आग्रह कर रहे हैं हम लोग। बटना नहीं है, बट जाएंगे तो कट जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भुवन भास्कर जोशी जी, देखिए राहुल जी, देश और प्रदेश समझ रहा है कि कौन सकारात्मक राजनीति कर रहा है, और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सकारात्मक राजनीति करने का काम कर रही है। हम लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये देश का अगर डीएनए अगर कुछ है, तो डीएनए में अगर कुछ मिलता है तो जोड़ने का मंत्र मिलता है। और अब भगवान श्री राम की बात हम करते हैं, तो भगवान श्री राम ने क्या करा था, नल, नील, बंदर, भालू, सबरी के झूठे बेल खा के सभी को सामाजिक न्याय दिलाकर अपना युद्ध जीतने का काम करा था। ये मेल जो है, जोड़ना जो है, भारत की संस्कृति है। हम लोग उस भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ चुके हैं, और इसी पीडीए की ताकत ने, पीडीए जुटेगा, लड़ेगा और जीतेगा, इस नारे के साथ हम लोग इस
चुनावी मैदान में है। पीडीए की ताकत ने 2024 में इनको आधा करने का काम करा। और ये जो नारा आया है इनका, ये कहां से आया है? देश को पता है, प्रदेश को पता है, ये नारा कौन सी लेबोरेटरी में बना है? ये नारा ये नागपुर की लेबोरेटरी से बना है। और उन्होंने किसका चयन करा है बुलवाने के लिए? माननीय मुख्यमंत्री का चयन करा है। क्या इतने पात्रों में से कोई मुख्यमंत्री मिले? क्योंकि वे उनको सूट करता था, 80-20 की बात उनको सूट करती है, और उनको सूट करती है मटन मछली की बात, मंगलसूत्र छीन लेंगे मुसलमानों की, ये वाली बात। ये देश प्रदेश भूला नहीं है। बांटने की राजनीति कौन कर रहा है, जोड़ने की राजनीति कौन कर रहा है? देश जुट रहा है, पीडीए जुट रहा है, और ताकत बन के भारतीय जनता पार्टी नहीं, आरोप है कि आप जाति में बांटकर सत्ता की मलाई खाने की कोशिश में है। कि जो लड़ाई है उससे भागने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम इन्हें घेर घेर के इनको याद दिलाने का काम कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय होके रहेगा, जाति जनगणना होके रहेगी, और पीडीए एकजुट होगा और आपका मुकाबला करेगा। पीडीए आपको अभी हाफ करने का काम करा है, और अब जो 10 उपचुनाव हो रहा है इसमें साफ करने का काम पीडीए की ताकत करेगी। ठीक है, सुधांशु वाजपेयी जी, मोहब्बत की दुकान तो आप लोगों के बीच चल रही है, नफरत केवल बीजेपी, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजादी से आज तक इन लोगों ने सिर्फ मुल्क को तोड़ने का काम और नफरतें फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया। आज भी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश में जब इनको लगा कि हम उपचुनाव नहीं जीत पाएंगे तो दंगे करवा दिए बहराइच, और ये मैं नहीं कह रहा, खुद इनका भाजपा का विधायक कह रहा है कि वो दंगा भाजपा द्वारा सुनियोजित तरीके से करवाएगा। और जब उतने से भी काम नहीं चला, मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी निकृष्टतम दौर में भारतीय राजनीति कभी नहीं देखी गई। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, मतलब गली के गुंडों वाली भाषा। ये तो दाऊद अहमद बोलता तो बात समझ में आती, लेकिन इस देश के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक मुख्यमंत्री बोल रहा है सिर्फ इसलिए कि चुनाव जीत लिया जाए। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूं, देश बहुत बड़ा है, इतिहास के उस पूरे दौर में ये 5 सालों का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हिंदुस्तान के इतिहास में आप राजनीति को कहां लेके जा रहे हैं? आने वाली पीढ़ियों को हम क्या बताएंगे कि तुच्छी सी राजनीति के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए, जिस देश के लोगों ने, जिस देश जो त्याग के लिए जाना जाता है, अभी अभी दिवाली हुई है तो इस बात की प्रतीक है कि राम और भरत भाई भाई इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि नहीं आप कुर्सी पे बैठो, आप कुर्सी पे बैठो। उस देश में उस परंपरा की बात करने वाले लोग उस कुर्सी के लिए पूरे देश को लड़वा देना चाहते हैं। सही बात भाई, राजेश गौतम जी, राम की बात समाजवादी पार्टी भी कर रही है, प्रभु श्री राम की बात कांग्रेस भी कर रही है। हमने तो आज से पहले कभी नहीं देखा कि प्रभु श्री राम रथ पर सवार हो उसे किसी मुख्यमंत्री खींचता हुआ नजर आया हो। हमने तो कभी नहीं देखा कि प्रभु के दर पर पहुंचकर किसी ने दिए जलाए हों। वो तो कह रहे हैं सामाजिक समरसता, हम तो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, आप खंड खंड करने की बात करते हैं, और केवल ये चुनाव जीतने के लिए। वही कांग्रेस है जिसके प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये जो मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग हैं, केवल वोट की खातिर कितना ये गिरते हैं, ये इसका एक परिणाम है। अरे जब देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है तो नेहरू जी ने पाकिस्तान का निर्माण क्यों किया था, जिन्ना को क्यों वहां का वो शासक बनाया था? और जहां तक बात कर रहे हैं आप अयोध्या के अंदर रथ खींचने की, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। 500 साल बाद रामलला अपने महल में विराजमान हुए, वो सौभाग्यशाली दिवाली आई है पहली बार। और इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री संत हैं, पीठाधीशोरें, ये हमारे लिए गौरव की बात है। ये लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर, प्रधानमंत्री हाउस के अंदर रोजा इफ्तार करते थे, सरकारी पैसे से वहां पर रोजा इफ्तार करवाते थे, तो उसमें इनको दिक्कत नहीं होती थी। ये नफरत करते हैं हिंदुओं से, ये हिंदुओं से नफरत करते हैं, हिंदू धर्म को ये विघटित करके अपनी सत्ता की मलाई चाटना चाहते हैं। क्योंकि सोनिया गांधी तो कैथोलिक चर्च से आती है, कैथोलिक ईसाई है। सुधांशु जी जरा शांत रहिए, कांग्रेसियों की
कांग्रेसियों की मजबूरी है। तो आज आज जो उत्तर प्रदेश और देश की हालत हो गई है, जिस तरह से हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक इन्होंने बना के रख दिया 60 साल के शासन में, अब वो होने वाला नहीं है। इस सरकार में संभव नहीं है। आप जाति जनगणना की बात करते हो, हिंदुओं में जाति जनगणना की बात करेंगे, जरा थम जाइए, अभी आपका टाइम आएगा तब आप बोलिए। कर्नाटक के अंदर ओबीसी के आरक्षण में मुसलमानों को घुसा दिया। आप देखिए पीडीए की बात करने वाले लोग हैं, ये पिछड़ों की बात करने वाले लोग हैं। अरे भाई उत्तर प्रदेश जो आरक्षण था उसमें मुसलमानों को कांग्रेस ने घुसाने का काम किया है, बंगाल के अंदर घुसाने का काम किया है। ये झूठ और फरेब की राजनीति करने वाली कांग्रेस बेनकाब हो गई है। इनकी हिम्मत नहीं हुई है एक सीट पे खड़ा करने की प्रत्याशी। कहता हूँ आपने क्यों प्रत्याशी नहीं उतारे भाई, जब आपके राहुल गांधी इतने लोकप्रिय हैं कि वो जलेबी की फैक्ट्री लगा देते हैं, आलू से सोना बना देते हैं, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा सीट का बचा। ठीक है, भुवन भास्कर जोशी जी, भुवन भास्कर जोशी जी, इनकी हैसियत नहीं हुई ये प्रत्याशी उतारे। आरोप आरोप की जात में बांटकर पूरा खेल करना चाह रहे हैं आप लोग। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी का मैं प्रवचन सुन रहा था, देश जानता है कि जिन्ना की मजार पर सजदा करने के लिए कौन गए थे, इनके तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष आडवाणी जी गए थे, वहां पर बिन बुलाए पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन गए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे। ये निश्चित तौर पे कहने वाले लोग हैं कि वोटों की फसलों के लिए ये भारत को बांटने का काम करते हैं, भारत पाकिस्तान लगाने का काम करते हैं और खुद सजदा करने चल देते हैं। तो निश्चित तौर पे आज मैं देख पा रहा था एक कैंडिडेट टोपी लगा के आज वोट मांगने का काम कर रहा है, मुस्लिम समाज को दिखाने का काम कर रहा है, और उनकी नफरत थोड़े दिन पहले टीवी में दिखाई दी थी। आज क्या है, भारतीय जनता पार्टी को आज उत्तर प्रदेश की जनता ने डांट दिया है कि ये विभाजनकारी शक्ति है। और ये देखिए 403 विधानसभा में एक टिकट नहीं देते मुस्लिम को, क्या मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? बहुत सारे प्रश्न है और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सामाजिक न्याय जाति जनगणना की जीत हुई है, पीडीए की जीत हुई है, और 2024 के इतिहास को हम लोग दोबारा दोहराने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे तक घबराई हुई है, केंद्र की और उत्तर प्रदेश की लखनऊ की सरकारों के बीच में जो टकराव है, संगठन और सरकार के बीच में टकराव है, पूरे देश ने देखा है, प्रदेश ने देखा है। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस एकजुट है और निश्चित तौर पर हमने हरियाणा में उनको कहा कि कांग्रेस को कहा कि वो लड़े, वहां पर मजबूत है, उन्होंने लड़ने का काम करा, समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट करने का काम करा, यहाँ पर समाजवादी पार्टी मजबूत है तो कांग्रेस ने कहने का काम करा, आप लड़िए और आप जीतिए। और आज इनकी दिक्कत है, आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मेरे दोस्त है चौधरी साहब, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये हमें लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस क्यों नहीं लड़ी? अरे आप हमसे ही लड़ लीजिए, आप चौधरी साहब, चौधरी साहब मैं इसके लिए नहीं करता। एक मिनट राजेश जी एक मिनट थम जाइए, सुनने दीजिए भुवन भास्कर जोशी जी को। मैं आपको चौधरी साहब, मैंने ठीक है हो गया, जोशी साहब बोलिए आप, मैं आपको बता, जोशी साहब बोलिए, अभी आपको हाफ करा है इस चुनाव में, ये पीडीए की ताकत, सामाजिक न्याय की ताकत, जाति जनगणना की ताकत आपको साफ करने जा रही है, उत्तर प्रदेश में ढूंढने से नहीं मिलोगे। एक जोशी साहब आप एक त्याग की बात कर रहे थे जी, आपने त्याग की बात की ना जी, तो समाजवादी पार्टी ने क्या क्या कुछ त्याग किया है कि जो आज इतनी बड़ी हो गई है? मैं बता रहे हैं ना, हरियाणा में हमने कांग्रेस वहां बड़े भाई की भूमिका में थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने बड़कपन दिखाया, उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस ताकत में है तो वो लड़ ले, और यहाँ पर राहुल गांधी ने वो दिखाने का काम करा, उन्होंने कहा कि अखिलेश जी यहाँ पर बड़े भाई की भूमिका में, ये वो लड़ ले, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। आज भारतीय जनता पार्टी पे कोई मुद्दा नहीं है, हमारे साथी चौधरी साहब क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दिया, अरे हमारा इंडिया गठबंधन है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है कि 4 में से 3 विधायक आप वीआईपी के खा गए, वो ढूंढ रहे हैं आपको, मुकेश सहनी को बिहार वाले ढूंढ रहे हैं कि कैसे उनके साथ। चौधरी जी, राजेश चौधरी जी, सामाजिक समरसता और जो राम राज है इन्हीं के, सरकार कल को बनेगी तभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मिलेगा, जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, अब पता नहीं है राहुल गांधी बनेंगे अखिलेश यादव, अब यही सब तय करेंगे। हरियाणा के अंदर ये कांग्रेस की जोड़ी पर बैठे रहे, इनको एक सीट नहीं दी, परिणाम आपके सामने है, क्या हालत हुई है हरियाणा के अंदर, हमने तीसरी बार सरकार बनाई है, ये सामान्य बात है क्या लोकतंत्र में? जनता का भरोसा देखिए, महाराष्ट्र के अंदर दर-दर की ठोकर खा रहे हैं, ये वही अखिलेश यादव हैं जो कहते थे कांग्रेस सबसे बड़ी धोखेबाज पार्टी है, जब
मध्य प्रदेश के अंदर इनको एक भी सीट नहीं दी, इनके नेताओं को रात भर दरवाजे पे बिठाए रखा वहां के नेताओं ने। तो उसके बाद कही कि कांग्रेस से बड़ी धोखेबाज कोई पार्टी नहीं है, इससे सावधान रहना। अब इनकी अवसरवादिता देखिए, धोखेबाज पार्टी के साथ आज ये खड़े, और महाराष्ट्र के अंदर इनका क्या हाल हुआ है। तो इनको कांग्रेस को साथ लेके चलना चाहिए था ना, इनको भी बेचारों को लड़वा देते, हम तो इनकी वकालत कर रहे हैं, क्यों नहीं लड़वाया कांग्रेस को। कांग्रेस से आयातित लोगों को करके इन्होंने यहाँ तो टिकट दे दी। अच्छा दूसरी बात डीएनए की करें तो जो मुगलों का डीएनए था, जो और राजेश जी अगर कांग्रेस इधर 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 बिजी, कांग्रेस इधर बिजी हो जाती तो महाराष्ट्र में कैसे आप लोगों के सामने रहती, ये अभी पूछेंगे तो कहेंगे रणनीति का एक हिस्सा है। रातों रात मुलायम सिंह यादव जी को अवगत कर दिया था, वही डीएनए है मुगलों का, वही इनकी पत्नी है समाजवादी पार्टी की। भाई ये यही तो कह रहे हैं हम लोग, इनसे सावधान रहना है। ये मुसलमानों के लिए देश को दोबारा से गुलाम बनने का काम करने वाले लोग हैं। अरे जब देश का बंटवारा हुआ था 1947 में, फिर भी देश के संसाधनों में पहला अधिकार सुधांशु जी ऐसा है क्या? देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि पहले दिन से लेकर अब तक भाजपा की सिलेबस से अगर मुसलमान और पाकिस्तान मुझे केवल ये बात बता दीजिए माननीय सुधांशु वाजपेयी जी कि आपकी हिम्मत क्यों नहीं हुई एक भी चुनाव लड़ने की। जाने दीजिए राजेश चौधरी जी, नहीं मेरा जवाब दे दीजिए आपके माननीय जोशी जी ने कहा ना कि उन्होंने हरियाणा त्याग दिया, इन्होंने यूपी त्याग दिया। राजेश जी ये तो पूरा देश ही कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ ही तो जा रहे, मुक्त हो गया कांग्रेस से भारत। हरियाणा में तो ये सीना ठोक ठोक करके कहते थे। एक मिनट राजेश जी देखिए सामाजिक समरसता की बात किस तरीके से सुधांशु जी कर रहे हैं, सुन लीजिए। राहुल बाबा को नायब सैनी ने पराजित कर दिया, राहुल बाबा को नायब सैनी ने पराजित कर दिया। आप बात करते हैं दुनिया जहान। एक मिनट राजेश चौधरी जी, बुरी हालत आपकी हो रही है। राजेश जी सुन लेते हैं सुधांशु जी को। तो हमारे देखिए उत्तर प्रदेश को लेकर हम लोग, हमारे इंडिया गठबंधन का जो समझौता था उसको लेकर हम लोगों ने, समझौते पर सवाल नहीं है। अच्छा एक भी सीट नहीं लेंगे आप? छोड़ दीजिए राजेश जी समझौते पर सवाल नहीं है। अरे भाई आप बताइए ना केशव मौर्य को मुख्यमंत्री कब बना रहे हैं? बड़ा झगड़ा चल रहा है कैबिनेट मीटिंग में, नहीं झगड़ा नहीं है, बताइए बनवा के दिखा दीजिए। नहीं केशव मौर्य की स्टूल अच्छा, महाराष्ट्र में बता दीजिए कितना सीट दे रहे हैं, महाराष्ट्र में कितनी सीट दी है समाजवादी पार्टी को, यही बता दीजिए। मुख्यमंत्री हरियाणा में कितनी सीट दी थी वो बता दीजिए। यही है आपका राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, ये सब तो जो है बेमेल गठबंधन है इनका, ये स्वाभाविक गठबंधन। सत्ता की मलाई चाटने के लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक होते हैं, जनता इनको नहीं। तो आप में कौन है महबूबा मुफ्ती ये नवाब मलिक, आप दोनों में कौन है, ऐसा ऐसा क्या है? अरे भाई कुर्सी के लिए नवाब मलिक हो या महबूबा मुफ्ती हो सबसे हाथ मिला लेंगे, यही नहीं कुर्सी के लिए। ठीक है आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उपचुनाव और ऐसे में एक तरफ नारे गड़े जा रहे हैं, दूसरी ओर वार पलटवार, जाहिर तौर पर इसे एक तरीके से कह सकते हैं उपचुनाव में जो राजनीति देखी जा रही है, बयानबाजी देखी जा रही है, हालांकि और जोर मारेगी क्योंकि 9 दिन प्रचार के और बाकी, और ऐसे में दूसरी ओर 27 को लेकर भी कहा जाए कि पूरी कोशिश की जा रही है क्योंकि एक तरीके से लिटमस टेस्ट। 24 का चुनाव हुआ, परिणाम सबने देखा, और ये उपचुनाव परिणाम बहुत कुछ तय करने वाला है। और जो नारे दिए जा रहे हैं समाज को जोड़ने के लिए, क्या बीजेपी की तरफ से जो कहा जा रहा है वो सच है या जो समाजवादी पार्टी कह रही है वो सही है, दो टूक में ताई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।